वेलकम टू मॉमी वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो अभी है मॉर्निंग के 8 और बहुत अच्छी धूप निकली है, काफ़ी दिनों बाद निकली है। 3-4 दिन से बहुत बारिश बारिश हो रही थी, आज जाके धूप निकली है। तो आई होप सारे कपड़े सूख जाएंगे। धूप भी है ना, बहुत ज़रूरी है। जब लगातार बारिश होती रहती है तो लगता है कि थोड़ी देर धूप निकले आए, ताकि घर में जो सीलन आ गई है, जो मॉइस्चर आ गया है, वो सब सूखे। तो दोनों ही एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। बारिश नहीं होती वो भी ज़रूरी रहती है, धूप नहीं निकलती वो भी ज़रूरी रहती है। तो एक बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट करके मैं आपसे बात करूंगी, दिखाऊंगी कैसे बाहर मौसम हो रहा है। फिर बेटू भी जग जाएगा तब तक, तो उसको भी लेके जाएंगे धूप दिखाने। बच्चों के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी रहता है, उनके टीथ बोन सब मजबूत बनते हैं, बिना विटामिन डी के तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, तब तक आप लोग भी अपना ब्रेकफास्ट करके आइए। के साथ साथ थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो इसलिए मैं उड़ा के लाई हूँ बेबी को, उसको ठंडा लग जाए, बट थोड़ा धूप दिलाना भी जरूरी है। फ्रेंड्स, जब तक बेबी सो रहा है मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बात करते हैं, थोड़ा आप मेरे को जान रहे हैं, थोड़ा मैं आपको जानती हूँ। बच्चे सोते हुए कितना अच्छे लगते हैं, एकदम शांति से सो रहा है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं। जैसे ही उठ जाएगा एकदम इसका उपद्रव शुरू, बिल्कुल क्वैक क्वैक करके पूरे घर को सर पर उठा लेगा, सारे लोग इसके पीछे पड़े रहेंगे। और फिर जो बच्चों में शुरू होता है सुसू, पॉटी, फीडिंग, इतना टेंस्ड हो जाता है माहौल, इतना परेशान करके रख देते हैं। खैर एनीवेज कोई बात नहीं, अभी तो ये सो रहा है, जब तक सो रहा है हम आपसे बात कर सकते हैं। तो मेरा नाम है देविका, मेरा 2.5 महीने का बेटा है, इसका नाम है प्रियांश, अगर अभी तक आप नहीं जानते। यूजली मैं इसको बेटू बेटू करके बुलाती हूँ, तो मोस्टली आपने मेरे ब्लॉग्स में उसको देखा होगा, मैं उसको बेटू करके बोल रही हूँ। और वैसे तो इसके बहुत सारे नाम है, सब अपने प्यार से अपने अपने नाम दिए हुए हैं, बट मोस्टली हम इसे बेटू बोलते हैं। प्रियांश तो इसका ऑफिशियल नाम है, वो तो कम ही मुँह से निकलता है। और फेस्टिवल्स का मौसम शुरू हो गया है, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है लॉकडाउन ड्यूरेशन में या कोरोना ड्यूरेशन में? कोरोना के टाइम पे हम लोग बिल्कुल बाहर नहीं जा पा रहे, बहुत दिक्कतें आ रही है सामने। और फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स के लिए खरीदारी इतनी सारी होती है, लास्ट ईयर तक तो इतना सारा खरीदते थे और अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, इस बार तो इतना रेस्ट्रिक्टेड लग रहा है। ऑनलाइन भी हम लोग है ना कोशिश कर रहे हैं डिलीवर हो जाए, बट कभी ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो है ना डिलीवरी कैंसिल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो उतनी सारी चीजें, उतना सारा फन एक्साइटमेंट सब कोरोना के कारण बंद गया है। अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो जल्दी जल्दी से बताइएगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है। वैसे तो कोरोना के टाइम में हम लोग सब घर में बंद है और रहना भी चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए, बट कहीं ना कहीं छोटी सी कमी सी हमें लगती है कि क्या मतलब, पहले जाते थे बाहर घूमते थे, पार्क वगैरह में जाते थे, थोड़ा फ्रेश एयर मिल जाती थी, अभी क्या से ज्यादा कि अपने घर की बालकनी तक जा पाते हो, उसके बाद अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग बाहर जा रहे हो, कैसे जा पा रहे हो, कुछ अर्जेंट चीज़ों के लिए क्या मैनेज कर रहे हो, आपके स्टेट में आपकी सिटी में लॉकडाउन है नहीं है, सब बताइएगा, अपन लोग बात करेंगे इसी तरह से। तो कल शाम को मैंने एक फ़ोटोशूट किया था अपने बेबी के साथ, बहुत ही प्यारे फोटोज़ आए उसके उस फोटोशूट में। तो अभी मैं ब्लॉग के एंड में अपडेट कर दूंगी, कल के ब्लॉग में तो मैं उसको नहीं डाल पाई क्योंकि तब तक मैं ब्लॉग एडिट कर चुकी थी और अपलोड कर चुकी थी, तो फिर मैं नहीं कर पाई उसको वहाँ पर। तो आज के ब्लॉग में अभी इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और अगर आपको वो आइडिया अच्छा लगा हो और आपको वो फोटोज और वो कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आपने मेरे लास्ट ब्लॉग्स नहीं देखे तो उनको भी जाके देखिएगा, फटाफट से आप देखिए मेरी तैयारी लास्ट कल के फोटोशूट की। तो फ्रेंड्स, अभी मैं करने वाली हूँ बेबी का फोटोशूट। उस फोटोशूट को करने के लिए मुझे लगेंगे 3 डिफरेंट कलर के ब्लैंकेट हो आपके पास, या दुपट्टे हो या कोई भी ड्रेस हो वो। तो मेरे पास अभी 3 डिफरेंट कलर के बेबी के ब्लैंकेट्स हैं, तो एक ये येलो कलर का है, एक सेकेंड ये ब्लू कलर का है मेरे पास, एंड थर्ड वन पिंक कलर का है। तो ये 3 डिफरेंट कलर के, आप 3-4 जितने लेना चाहे उतने डिफरेंट कलर के ले सकते हैं इस फोटोशूट को करने के लिए। तो मेरे पास 3 ब्लैंकेट है, मैंने वो ले लिए। इन तीनों ब्लैंकेट के साथ मैच करते हुए मैंने बेबी के सॉक्स ले लिए, येलो के साथ ये ब्राउनिश कलर का सॉक्स मैच कर जाएगा,
सेकंड जो पिंक है उसके साथ ये मैच करेगा एंड थर्ड जो है ब्लू उसके साथ ये मैच करेगा। तो ये मैच करते हुए मैंने तीन ये ले ली है और मैंने उसके जो बीज के जो सींग है उनको बनाने के लिए दो ब्लैक कलर की दुपट्टे ले लिए हैं। तो इनसे मैं इस तरह से फोल्ड करके बीज बना दूंगी, तो बी के जो सींग है वो बना दूंगी। तो देखते हैं फोटोशूट कैसे मैं कर रही हूँ, मैं पूरा आपको अरेंज करके दिखाती हूँ किस तरह से मैंने अरेंज किया है और फिर मैं बेबी के साथ का आपको क्लिपिंग दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से अपन अरेंज करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये फोटोशूट पसंद आया होगा बेबी का। अगर आप लोग भी अपने बेबी का फोटोशूट घर पे करना चाहते हैं तो इस वीडियो को रिफर करके इजीली कर सकते हैं। तो अगर ये आइडियाज आपको पसंद आ रहे हैं, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आपके साथ के जो फेलो पेरेंट्स है उनके साथ भी ये चैनल शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं फिर मिलूंगी आपको एक नए से यूनिक से फोटोशूट आइडिया में। तब तक बने रहिएगा चैनल पे और देखते रहिए अदर वीडियोस। फिर मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।